हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स? होप सो यू विल बी फाइन एंड ओके। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं नो इंडी मूवी और ये इसका पार्ट नंबर 11 है। सो जल्दी से प्ले करते हैं, देखते हैं। माय नेम इज अमन एंड माय नेम इज इरा खान। ए चलो फुटो यहां से, ये बीवी बीवी का नाटक मुझसे नहीं होगा। बी पॉजिटिव, आप जितना पैसा बोलेंगी हम उतना देने को तैयार हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो इनके साथ 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। चलो देखिए भाई साहब, आज इनका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज मेरे साथ भी चलना उतना ही जरूरी है। भाई साहब आप समझ नहीं रहे। नहीं नहीं, समझ तो आप नहीं रहे। आज इतने दिनों से नो एंट्री के चक्कर काट रहा हूँ, आज एंट्री मिली और आप कहते कि मैं कल जाऊँ? मतलब आप प्यार से नहीं मानेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मार से मानेंगे? देखिए ये गैर कानूनी है। तो ये सब कानूनी है? आज अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। ये अगर आपके साथ नहीं आई तो आपकी बीवी आपको तलाक दे देगी? लेकिन भाई साहब, आपको रिलायंस की कसम, आपकी बीवी को एक बार मेरी बीवी से मिलाना जरूर, ताकि मेरी बीवी भी कुछ सीखे उनसे। तालियों की ये गूंज ये बता रही है कि यहाँ पर बैठे हुए कपल से जो चटपटे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, आप उसका काफी मजा ले रहे हैं। अच्छा आप बताइए, सुहाग रात और उसके बाद आने वाली रातों में आपने क्या फर्क महसूस किया है? मेरे ख्याल से पति आहिस्ता आहिस्ता कम रोमांटिक होने लगता है। really? या मिसेस शेखर, आपने क्या फर्क महसूस किया है? कुछ भी नहीं, मेरी तो हर रात सुहाग रात होती है। इनका कहने का मतलब है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी हर रात सुहाग रात जैसी रही है। अच्छा आप ये बताइए, महंगाई के इस जमाने में घर चलाने के लिए क्या सिर्फ मर्द को काम करना चाहिए या औरत को भी? दोनों को। दिन में मर्द कमाए, रात को औरत। अरे ये क्या, वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त जवाब दिया। मतलब दिन में मेहनत करके मर्द को पैसा कमाना चाहिए और रात को थका हारा जब मर्द घर पर आए तो उसकी पत्नी को उसकी सेवा करके उसका प्यार कमाना चाहिए। वाह वाह क्या बात है, नहीं कहना चाहती ना आप? माइक दो। नहीं नहीं नहीं, हो गया, सही जवाब था। तालियां तालियां। कैसे जवाब दे रही है ना? नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी, वेलकम। आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है? नहीं सर, ये लड़की शहर की है ही नहीं। बहुत करीब से देखा है। कहाँ देखा है? कहीं देखा है मैंने? देखा? मैं एक सेकंड में आता हूँ। जजेस का फैसला आ चुका है और जैसे कि हमें उम्मीद थी, इस साल का बेस्ट कपल अवार्ड जाता है मिस्टर एंड मिसेस शेखर को। आप वाकई इस अवार्ड के काबिल हो। भाई और बहनों, बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, खासतौर से वो ट्रॉफी, बहुत अच्छा लगा ट्रॉफी। आपका तो काम हो गया भाई साहब, मेरा काम याद है ना? याद है सनी, संडे 11 बजे जज सक्सेना के घर ना, याद है मुझे? जज के घर कोई लोचा वोचा किया है क्या? शेखर बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। आज ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, मेरा मतलब मेरा अखबार नहीं होता। इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज मेरा अखबार इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, इसलिए मैं इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। वाओ, वाह। लेकिन ऐसे अच्छे मौके पर आप अकेले ही आए, अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? वो तो शादी पे भी नहीं आ सकेंगी। क्यों? वो आएंगी तो फंस जाएंगे। क्या है कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो
वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी शेखर जी कुछ फंसने फंसाने वाली बात कर रहे थे। अब आपसे क्या छुपाना समझी जी, मेरी बीवी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए बहुत करीब से देखा है। 9/11 उस वक्त आपकी बीवी अमेरिका में थी? जी नहीं, टीवी पे देखा उसने। टीवी पे? बस उस हादसे का इतना गहरा असर हुआ है कि शादी पे लाना काफी रिस्की हो सकता है, पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे पंडित जी, मुहूर्त निकालने में आप कितना समय ले रहे हैं? बस आप एकदम पक्के होते जा रहे हो, क्या मतलब? अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे ना तो प्रेम भाई साहब से भी आगे निकल जाएंगे आप। क्या हुआ? अचानक दाएं आंख भड़कने लगी, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? हमें बाईं आंख भड़के तो बुरा होता है। अरे यार ये मेरी आंखें भड़कने लगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। तो फिर किस तरह की लड़की हो? मैं बहुत ही शरीफ, इज्जतदार और खानदानी लड़की हूँ। तो यहाँ इस होटल में क्या कर रही हो? वो पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, पत्नियाँ झगड़ा करके मायके जाती हैं, और तुम? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे खानदान की परंपरा यही है, हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो होटल में जाके रहते हैं, मायके जाके मायके वालों को बदनाम नहीं करते। ये तेरे साथ में कौन है? ये तुम्हारा छोटा भाई है। क्यों था बहन, क्या हो गया दीदी? देखो ना इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या? अच्छा तो तेरा भाई गुजराती है? ए, चलो चल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो सकते हैं, तो ये गुजराती क्यों नहीं भाई हो सकता? लेकिन ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रहा था? ये मुझे मनाकर घर ले जाने के लिए आया था। दीदी घर चलो ना, जीजा जी भी बहुत परेशान होंगे। अरे इंस्पेक्टर भाई, हम दोनों तो ना होटल की रूम में बैठ के फैमिली प्लानिंग नो फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे। रिलायंस की कसम, अगर तेरी बहन शादीशुदा है तो इसका पति भी जरूर होगा। कहाँ है? संडे 11 बजे जज सक्सेना के घर में। तेरे को मेरे पति से मिलना ना, बस इतनी सी बात है, चल। पंचांग के अनुसार यजमान चंद्रमा 2 दिन राहु में है और 2 दिन शनि में, ये 4 दिन बहुत अशुभ है। इससे पहले का कोई मुहूर्त नहीं निकलता? क्यों जीजा जी, बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। क्या बात है इंस्पेक्टर, कौन है ये? सॉरी सर, ब्लू मून होटल की रेड में पकड़ा है इन्हें। ये कहती हैं कि ये शादीशुदा हैं और इनके पति आपके यहाँ हैं। इनके पति? तुम्हारे पति कौन है? मैंने इन लोग को बोल दिया। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम डार्लिंग। जाना ही था तो वही होटल बचा था पूरे शहर। ये क्या पहन रखा है अंकल? वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात कही थी वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे होटल में ठहरना, वो अब इसका क्या जवाब दूं? अरे क्या जवाब देंगे आप, सब आप ही की गलती है। जब भी आप भाभी से नाराज होते थे होटल में जाके ठहरते थे ना? हाँ, तो फिर ठहरता था। बस यही बात भाभी के दिमाग में बैठी हुई है। अब भाभी को कैसे पता कौन सा होटल कैसा है? करेक्ट। लेकिन आप कौन है? मैं इनका साला हूँ, ये मेरी दीदी है। कहा था ना दीदी का ख्याल रखना, घर से बाहर क्यों निकलने दिया? घर से बाहर बस। इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, अब तो आपको तसल्ली हो गई। इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोलो कि अगली बार मैं किसी होटल में मिलूं, मुझे नहीं पकड़े। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। इंस्पेक्टर, आइंदा ये कहीं भी कभी भी मिले नो अरेस्ट। ओके ओके सर। आओ बेटी, आओ बेटी। हाय। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। 5 दिनों के बाद तुम्हारे देवर की शादी है। किशन जी, आप इन्हें शादी में जरूर लाना। जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, मुझे मेरे शेखर के लिए ऐसा ही लैपटॉप चाहिए बिल्कुल। Excuse me, ma'am. May I help you? Yes, ये लैपटॉप कितने का है? It's been sold, ma'am. इसका बिल बन रहा है। ठीक है, आप मुझे ऐसा ही दूसरा दे दीजिए। No, ma'am. Sorry, we are out of stock. Anyways,
I can show you a different piece, ma'am. No, it's okay. Thanks. Like to? I wish मैं शादी की राजशेखर को भी तोहफा देती. जी? ये आप ले लीजिए, मैं दूसरा सिलेक्ट कर लूंगी. No, it's really okay. Thank you. शादी का तोहफा पहली रात दिया जाता है, उसके बाद में आप इनको दे दीजिए. That is so kind of you. लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी. सोच लीजिए, दो शायद पिलानी पड़ेंगी. मुझे बहुत ज्यादा बता रही है, तब तो बहुत मजा आएगा क्योंकि मेरी आदत भी बिल्कुल आपकी तरह है. So shall we go? चलो. दोनों की आदतें बिल्कुल औरतों जैसी है. क्या? अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो. ओके ओके. अरे सुना तुमने? क्या? अपना बुआ का बलविंदर है ना, अपना बल्लू, उसकी शादी हो रही है संडे को. हम दोनों को पूना बुलाया. आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली उस घर में जहाँ मेरे सौतन लाने के मंसूबे बनाए जाते थे. ऐसे मौके पर पुरानी बातें भूल जाते हैं काजल. तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ. मैं नहीं जाऊंगी. बचपना छोड़ो काजल, प्लीज. कहा ना नहीं जाना मुझे. काजल तुम बस बस मनवा के छोड़ोगे क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना बल्लू घोड़ी नहीं चढ़ेगा, उसकी शादी नहीं हो सकेगी. बल्लू तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल. ठीक है, वरना मैं अकेला बोर हो जाऊंगा. बिल्कुल ठीक. मैं नहीं जा रही हूं तो बुरा लग रहा है, लेकिन आप मेरी भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं ना. और वैसे मेरी भी एक सहेली की शादी है यहाँ संडे को, मुझे उसमें जाना है. हाँ ठीक है. ये किस सहेली की शादी है, वो भी संडे को ही? किसी की भी हो, तू डर क्यों रहा है? कहीं ऐसा ना हो मैं दूल्हा बनकर पहुंचूं और दुल्हन की सहेलियों के बीच आरती के साथ भाभी मेरा स्वागत करे. क्या बोल रहा है यार, अपनी शादी के दिन तू मेरा डिवोर्स करवाएगा क्या? नहीं संजना, वो सहेली नहीं हो सकती. क्यों? देख, संजना ने कभी काजल को देखा? नहीं. कभी काजल ने संजना को देखा? नहीं. कभी मैंने संजना को तेरी भाभी के बारे में बताया? नहीं. कभी तूने भाभी को संजना के बारे में बताया? उसका मौका ही कहां दिया आप? तो फिर बी पॉजिटिव यार. अरे शादी छोड़ के मत जाइए, मेरी बात सुन ले. ये ले लीजिए, ये ले लीजिए प्लीज. 3 घंटे शादी में आने का 20,000 तो काफी होने चाहिए आप लोगों के लिए. बाकी ठीक है, और ये लीजिए. अब ठीक है? इस चक्कर में तो मुझे घर और ऑफिस दोनों बिकते नजर आ रहे. तेरे फादरलॉ ने तो कहा था इस पगली को साथ ले आना, अरे इसके बिना तेरी शादी मुसीबत में पड़ जाएगी. लेकिन हो जाएगी ना मेरी शादी? अरे शुभ मुहूर्त के लिए टाइम ही कितना बचा है, तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. यू बी पॉजिटिव. थैंक यू गुप्ता जी. आइए आइए बेटा. शेखर जी डर गए हैं मेरा कमाल. आप इसे पहचानते हैं? बहुत अच्छी तरह. अच्छा कैसे कैसे? डैडी वो देखिए मम्मी बुला रही है. आप मम्मी? वाह. ओ मम्मी, ओ एक्सक्यूज मी. ठीक है. हाँ मैं भी अभी आया. ये फोटो. बैठ. So see you again.